दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ हॉटस्टार पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली हॉटस्टार आते हैं 999 रुपए में एक साल के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अब आप पा सकते हैं हॉटस्टार सिर्फ 600 रुपए में, वो भी पूरे साल के लिए। कैसे, ये जानने के लिए हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे टेलीग्राम नंबर या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फीटफ्लिक्स और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों हॉटस्टार स्पेशल ऑफ सीजन 1 का स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी मैंने कर दिया है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो नहीं है, तो प्लीज उस नजरिए से इस वीडियो को नहीं देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा जो कि बेसिकली सीरीज देखने के बाद में मेरे दिमाग में आया था। मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया और पता लगा कि ऐसा ऐसा चीज हुआ था जो कि सीरीज पूरी तरीके से डिटेल में नहीं बताती, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि ये स्पॉइलर भी हो जाएगा, इसलिए मैं ये डिफरेंट वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज स्टॉप हियर, पहले सीरीज देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए, ताकि सीरीज में मेंशन किए गए डिफरेंट डिफरेंट चीजें और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को आप अंडरस्टैंड कर सके। सो वंस अगेन गोइंग अहेड, स्पॉइलर अलर्ट। सो पहला सवाल, क्या 2001 में दिल्ली में सच में पार्लियामेंट पर हमला हुआ था? जी हाँ, ये सच है, 2001 में सच में 5 लोगों ने मिलकर पार्लियामेंट पर अटैक किया था। अगर आपने सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि सीरीज में जब ये टेररिस्ट एक गाड़ी में पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो एक दूसरे गाड़ी को टक्कर मार देते हैं। ये इंसिडेंट भी सच में हुआ था और टेररिस्ट ने जिनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी ये उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट कृष्ण कांत की गाड़ी थी। इसी सीन के दौरान हम ये देखते हैं कि एक टेररिस्ट को जब गोली लगती है तो उसके हाथ में बम होता है, जो कि जब गिर जाता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। मगर एक्चुअल में कहा जाता है कि जब ये टेररिस्ट अटैक करने गए थे तो एक टेररिस्ट को गोली लग गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, लेकिन उसने सुसाइड वेस्ट पहना हुआ था, वो सुसाइड वेस्ट ब्लास्ट हुई थी। दूसरा सवाल, सीरीज में रहकर ओसामा बिन लादेन का नाम आता है, क्यों और उसका सीरीज से क्या लेना देना? तो इसका जवाब ये है कि अमेरिका पर 9/11 अटैक्स के बाद में ये पता चल गया था कि उसके जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन है, और अमेरिका अपनी पूरी कोशिश यानी कि उसने अपनी जान झोंक दी थी ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, जिंदा या मुर्दा। इसी के चलते अमेरिका को उस वक्त पता चला कि ओसामा बिन लादेन उस वक्त अफगानिस्तान में स्थित तोरा बोरा में छुपा पड़ा हुआ है। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसे दूरन लाइन के नाम से जाना जाता है, जिस पर एक साइड से पाकिस्तान के अली जन औरकजई पहरा दे रहे थे अपने ट्रूप्स के साथ, ताकि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान में ना आ सके। एंड ऑफ कोर्स ये ऐसा हुआ अमेरिकन प्रेशर की वजह से, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को क्लियर कर चुकी थी कि किसी भी हालत में ओसामा बिन लादेन भागकर पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। सो हम सब जानते हैं मजबूरी में पाकिस्तान को ऐसा करना पड़ा। एंड अगेन हमें ये क्लियरली पता है कि पाकिस्तान रियली वांटेड टू सेव ओसामा बिन लादेन, मगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में लाना इतनी सिक्योरिटी के साथ में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली इतनी सिक्योरिटी को हटाकर ओसामा बिन लादेन को नहीं लेके आ सकता था, क्योंकि अगेन अमेरिकन प्रेशर था उन पर, इसीलिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस विंग यानी कि ISI ने एक प्लान बनाया जिसके तहत इंडिया पर हमला किया गया। जब इंडिया पर हमला होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, तो इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि कश्मीर में हाई अलर्ट आ जाता है, इंडियन के सारे ट्रूप्स कश्मीर में जाके खड़े हो जाते हैं कि बॉस कुछ भी हमला या एक और टेररिस्ट अटैक कश्मीर के आसपास नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली ISI का ये प्लान था कि जब इंडिया ऐसा करेगी तो पाकिस्तान इंडिया का बहाना देकर कि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा, और इसके चलते मजबूरी में वो अमेरिका के ये कहेंगे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जितने भी हमारे ट्रूप्स हैं उनको उठाकर हमें कश्मीर में डालना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया भी हम पर अटैक कर सकता है, और जब ऐसा होगा तो ओसामा बिन लादेन को एक सेफ पैसेज मिल जाएगा पाकिस्तान में आने के लिए। और ये सारी चीजें फैक्ट है जिसे अमेरिका ने भी कंफर्म किया। तीसरा सवाल, सीरीज में रह रहकर ये एक औरत आती है, ये कौन है और इसका क्या किरदार था सीरीज में? ये औरत एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन है, ये तो सीरीज से पता चल जाता है। अब इस औरत के लड़के ने एक डील की थी रशिया के थ्रू, जिसके चलते इन्होंने मेरे ख्याल से काफी पॉलिटिशियंस को पैसे खिलाए थे। अब ये बात उस वक्त रशिया में मौजूद हिम्मत सिंह को पता चल जाती है, जो कि अगेन इंडिया के इंटेलिजेंस विंग को अपडेट करते हैं कि बॉस ऐसा ऐसा धांधली चल रही है, सो आपको इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। मगर अगेन ये औरत उस इंक्वायरी को दबा देती है अगेन पैसे खिलाकर, तो ये चीज कभी किसी को पता ही नहीं चलती, लेकिन स्टिल हिम्मत सिंह को इसके बारे में पता था, और इस औरत को ये पता था कि जब हिम्मत सिंह के ऊपर इंक्वायरी होगी तो कहीं ना कहीं ये उनका भी नाम ले लेंगे। और अब क्योंकि हिम्मत सिंह पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो इनको लगा कि नाम ले लेंगे तो मैं भी फंस जाऊंगी, इसीलिए ये इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को बुलाकर उनको कहती कि कभी मेरा नाम आया तो मेरा ख्याल रखना, इन रिटर्न ये उनका ख्याल रखेंगे। अगेन रिमेम्बर सीरीज पे एक बंदा, एक पाकिस्तानी बंदा हिम्मत सिंह पर फायरिंग करता है, उनको मारने के लिए नहीं, सिर्फ उनको डराने के लिए।
ये हमला इसी औरत ने उन पर करवाया होता है। और कहीं ना कहीं मुझे सीरीज देखने के बाद में ये समझ में आया कि हो सकता है कि हिम्मत सिंह के ऊपर जो 28 करोड़ के गबन का इंक्वायरी बैठी थी, वो बेसिकली इंक्वायरी इस औरत ने ही शायद उनको फंसाने के लिए इन पर बैठाया था। वेल, दोस्तों ये थे सारे सवाल और उनके जवाब जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज देखने के बाद में आपके जहन में आए होंगे। अगर स्टिल आपको लगता है कि किसी सवाल के जवाब मैंने नहीं दिए या कोई ऐसा टॉपिक मैंने मिस कर दिया है जो कि सीरीज हमें बताती है और उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो दोस्तों ये था हमारा फैक्ट एक्सप्लेन्ड सीरीज स्पेशल ऑफ सीजन 1 को लेकर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, जाने से पहले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ फैंटास्टिक डे।